हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आप लोगों का प्रॉक्सी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली आज हमारा है डे नंबर 5 फॉर द करेंट अफेयर्स रोजाना सीरीज फ्रॉम जीरो टू हीरो। तो यहाँ पर प्रॉक्सी ज्ञान पर हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जो कि था हमारा करंट अफेयर्स रोजाना सीरीज। अब इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, इस सीरीज में हम डेली 5 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को टारगेट करते हैं, कवर करते हैं, ताकि आपका बीपीएससी एग्जाम या आप अगर यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स की दिक्कत आपको ना रहे। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके लिए, हम टेलीग्राम पर भी हैं, यानी कि क्लास का जो पीडीएफ वाला इशू होता है वो आपका सारा सॉल्व हो जाएगा अगर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लेते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप देखेंगे कि क्लास के सारे हैंडमेड नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट फीडबैक्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको टेलीग्राम पे डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो इसलिए देर मत कीजिए, आज ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सारे नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके लिए थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट है हमारे बीपीएससी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। बीपीएससी आपको पता है 30 सितंबर को एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक छोटी सी टेस्ट सीरीज लेकर आई जाए। इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा क्या है, टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ये रहेगा कि यहाँ पर आप जो भी टॉपिक्स अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कवर करेंगे, पढ़ेंगे आज, उस टॉपिक्स के सारे आपको इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। और फ़ायदा ये रहेगा कि इसमें PYQ का रिवीजन भी हो जाएगा, करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको सॉल्यूशंस का PDF भी मिलेगा, आपके लिए एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा आपके डाउट्स को कैटर करने के लिए। 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे, 20 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, इससे आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बोल्ड हो जाएगी। करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपका जो भी पेमेंट ऐप है उससे आप इस कोड को स्कैन कीजिए। 499 यानी कि काफ़ी अफोर्डेबल हमने प्राइस इस टेस्ट सीरीज़ का रखा है। कोड को स्कैन करने के बाद आपको एक नंबर अभी स्क्रीन पर दिया जाएगा, नंबर है, आप लिख भी सकते हैं, द नंबर इज दिस 9871496677। ये है आपका नंबर जहाँ पर आप अपना रिसीट जो होगा वो आप भेजेंगे। जैसे ही रिसीट हमें मिल जाएगा हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे कवर कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर जो सेपरेट इस बैच के लिए बनाया गया है वहाँ पर विरोनिका मैम रहेंगी आपके डाउट्स को 24/7 केटर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। चलिए इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा यहाँ पर रहेगा IMF से रिलेटेड। यहाँ पर हम देखेंगे कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है ना, शक्तिकांता दास, उन्होंने एक टाइमली एक मीटिंग बुलाई जहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया कि जो 16 जर्नल रिव्यू रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, उसको टाइमली कंप्लीट करना है। जो भी हमारे टारगेट्स हैं, जो भी हमारे कोटाज हैं जो हमको फुलफिल करने हैं IMF से रिलेटेड, वो हमें 16 जर्नल रिव्यू मीटिंग में कवर किया गया यानी कि आप बोल सकते हैं समझा गया। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन सी मीटिंग रही है, कौन से क्या कोटाज है, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है IMF, आपसे BPSC में डायरेक्टली पूछा जाएगा IMF के बारे में। तो IMF होता क्या है, IMF बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 190 मेंबर कंट्रीज हैं। हर मेंबर कंट्री अपने कंट्री के फाइनेंस को रिप्रेजेंट करती है या फाइनेंशियल स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जितनी भी मोस्ट पावरफुल कंट्रीज होती है ना IMF के मेंबरशिप में, उनके पास पावर होता है वोट करने का, वोटिंग पावर भी उनको दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं IMF के, सबसे पहले तो मॉनेटरी कोऑपरेशन, अगर कोई कंट्री मॉनेटरीली अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रही है, सफ़र कर रही है, तो उस केस में उनको IMF के द्वारा फंडिंग ग्रांट्स भी मिलते हैं, यानी कि IMF हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनली। आप देखेंगे IMF के काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें जितनी भी पुअर कंट्रीज़ हैं या ऐसी कंट्रीज जहाँ पॉवर्टी पीक पर है, वहाँ IMF रेगुलर ग्रांट्स भेजती रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेटरमेंट के लिए काम करती रहती है। प्लस IMF एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी मेंटेन करती है मेंबर नेशंस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे आते हैं। टोटल 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम कवर करेंगे। एरोमेटिक राइस मुश्क भुट्जी, तो एक एरोमेटिक राइस है जिसका नाम है मुश्क भुट्जी। कहाँ से है ये, ये कश्मीर से है, जिसको अभी रिसेंटली GI टैग मिला है। ये जो राइस है, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं ये चावल, जिनको GI टैग मिला है। अरोमा है इसमें, छोटे छोटे दाने होते हैं जिसमें, जो खुशबूदार होते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ कुछ स्पेशल इवेंट्स में ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोई शादी का इवेंट हो गया या कोई कोई भी सेलिब्रिटी इवेंट है, वहाँ पर इस तरीके के चावल यूज़ किए जाते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल है न्यू सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ना 2017 से न्यूज़ में रहा है, 2017 से इसके बारे में डिस्कशन रही है। अभी इसको और बेटर बनाने के लिए एक न्यू सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया है, इसको अमेंड किया गया है, अपग्रेड किया गया है, जिसके अंदर GIS इंटीग्रेशन देखा गया है, मोबाइल ऐप तैयार किया गया है जहां आप सॉइल अपनी सॉइल हेल्थ को अच्छे से जान सकते हो। अभी आपको पता होगा सद्गुरु ने भी सॉइल इनिशिएटिव निकाला था, है ना। तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, अगर इसकी हेल्थ स्ट्रांग है तो समझ लो क्रॉप्स की और एग्रीकल्चर की हेल्थ भी स्ट्रांग रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव, ये आ गया आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ICI होता क्या है? ICI बेसिकली बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज़ को सपोर्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव तैयार किया गया है। आपको पता था अभी रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल भी सेलिब्रेट किया गया था। तो एक रिपोर्ट निकल के आई है इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव के फर्स्ट फेज के बारे में, जहां पर इंडिजीनियस पीपल और लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं उनको फंडिंग जो दी जाती है बेटर लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन दोज एरियाज़, वो फंडिंग इंक्रीज़ की गई है। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर है, लोकल पीपल हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो वहीं इसी एरिया को ये कोशिश करने के लिए कि ये एरिया ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, इस एरिया पे ज़्यादा नेगेटिव बर्डन ना आए, ICI की इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। वर्ड में ही आप देखोगे मतलब है इंक्लूसिव कंजर्वेशन, सबको इंक्लूड करके कंजर्वेशन करना। लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एशियंट एलिफेंट से है। एशियन एलिफेंट है क्या? देखो अभी रिसेंटली वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट हुआ था। एशियन एलिफेंट लार्जेस्ट लैंड मैमल पाया जाता है एशियन कॉन्टिनेंट में। ये ड्राई से वेट फॉरेस्ट में पाया जाता है। आपको याद रखना है कि इनका IUCN रेड लिस्ट स्टेटस क्या है, इनडेंजर्ड स्पीशीज मानी जाती है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको स्केड्यूल 1 में प्रोटेक्ट भी किया जाता है। कहाँ पाए जाते हैं ये? नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है ये लार्जेस्ट लैंड मैमल के तौर पे देखे जाते हैं, है ना। इनकी सब स्पीशीज भी होती है, फॉर एग्जांपल श्रीलंकन एलिफेंट्स, इंडियन एलिफेंट्स, सुमात्रन एलिफेंट्स, ये सब एशियन एलिफेंट के ही कैटेगराइजेशन है। तो ये थे हमारे 5 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज के। ऑल्सो भूलिएगा नहीं कि BPSC की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 सितंबर से। जितना जल्दी आप इनरोल करेंगे उतनी जल्दी आपको हमारी गाइडेंस मिलेगी, उतना जल्दी आप BPSC क्रैक करने के नज़दीक पहुंचेंगे। ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।